The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with Tadcom Lab and make your AutoCAD 2D 3Ds max dreams come true. Download the app now. आर्किटेक्चर पार्ट में इसीलिए कॉलआउट्स को यूज करा गया है, डिटेल कॉलआउट को यूज करा जाता है ताकि आप उनको मार्क करके अलग सेपरेटली शो करा सकें सिस्टमेटिक तरीके, इसीलिए इनको मार्क करा गया है क्योंकि हम हर एक चीज को इसके बारे में, तो मैंने लास्ट टाइम बोला था कि आप लोग इसकी डिटेल्स को मेंशन करेंगे जो आपने ऑब्जेक्ट डिजाइन कराया अपना। कॉलआउट डिटेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग कुछ मोल्डिंग्स वगैरह क्रिएट करते हैं फ्रंट एलिवेशंस में, सभी लोगों ने देखा होगा। अरे अब तो खैर, तो टाइप्स ऑफ बेड के नेम, जब तक आपको उनको कैटेगरी, आपने बहुत सारे बेड के ये डिजाइन देखे होंगे बट उनके नेम्स के बारे में बहुत रेयर केसेस में, क्योंकि लाइक हम लोगों ने वर्किंग सीखा था कि कैड फाइल फ्लोर प्लान को इंपोर्ट कराना, अब बात आती है कि हम एक मिनट रुकना जरा, नहीं थी एक बेडरूम निकालना है अपने फ्लोर प्लान से और बाकी को डिलीट कर देना है। सारे एक्स्ट्रा पार्ट, डायमेंशंस, फर्नीचर आइटम हमारे रहेंगे, यूज में नहीं है उसको सब हटा देंगे। दिस वन क्या हुआ? नहीं नहीं स्क्रीन दोनों में शो हो रहा है, तुम एक बार जरा फॉर मैक्स। तो एक बेडरूम निकाला, वॉल डोर विंडोज थी, टेक्स्ट था, डायमेंशंस को हटा दिया, एक बेसिक बना के सेव करके डेस्कटॉप पे रख दिया। फाइल पे आके इंपोर्ट डेस्कटॉप बेडरूम इंटीरियर फॉर मैक्स, ओके। फाइल सेलेक्ट करी, सेंटर में प्लेस करो ओरिजिन पे।
नीचे वाले फ्लोर को हम कॉपी कर लेंगे। अगर ये हमारी ग्रिड बार बार जूम नहीं हो रही है, दिक्कत कर रही है, जैसे कि इसको मैं रोज जूम करा रहा हूँ, अभी जूम हो रहा है, अभी फिर चला जाएगा, चला गया, तो फ्रंट में आके ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है, प्रोस्पेक्टिव पे क्लिक दबा के जेड ए जूम करना है, वो जूम कर देगा सारी चीज़ें। इसी को मैंने कॉपी कर लिया, प्लेस कर लिया और साइड में मूव करा दिया। इस पर हम बाद में काम करेंगे। और दूसरी चीज़ ये, पहले से ही हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि इसका इंटीरियर, मतलब कि आप कितना देना चाहते हो, लाइक सीलिंग की बात कर रहा हूँ, वो सीलिंग का डिज़ाइन आपको पहले से क्रिएट करके रखना पड़ेगा। एग्जाम्पल दिस वन, ये हमारी सीलिंग होगी, ठीक है, कितना गैप छोड़ना चाहते हो तो पहले से डिसाइड कर लो। सेंटर में क्या डिज़ाइन देना चाहते हो पहले से डिसाइड कर लो, और डायमेंशंस के साथ, ताकि वहाँ पर डिज़ाइन बनाने में दिक्कत ना आए। ये साइज हमने लिया है 16, तो 16 का हाफ एक ऑफसेट लो, एक ऑफसेट लिया हमने, एक्सप्लोर कर दिया हमने, क्या पढ़ा था, पॉइंट पी ओ एंटर। हम यहाँ पर एक काम करेंगे, हम यहाँ पर लाइटिंग को पहले से ही डिसाइड कर लेंगे, क्योंकि वहाँ पर भी हमें कुछ नहीं मिलेगा साइज वगैरह। डिलीट कर लो, क्योंकि वहां पर स्पेसिंग नहीं मिलेगी हमें, कितने स्पेसिंग पे कॉपी करना है, कितने स्पेसिंग पे कहां पर लेके जाना है। सेव कर लिया डिफरेंट नेम के साथ। एंड क्लोज। उस फाइल को हम यहां इंपोर्ट कराएंगे, फाइल इंपोर्ट, ये आ गई हमारी। अगर हम इस लेआउट को यहां पर रखें तो बिल्कुल परफेक्ट आ गया। इस स्लैब को भी हम पॉली में कन्वर्ट कर लेंगे। स्लैब को सेलेक्ट करो, स्लाइस प्लेन, प्लेन रोटेट करो वर्टिकल, कहां से, दिस वन स्लाइस, सब रेफरेंस के बेसिस में, कोई भी डिजाइन रैंडम नहीं कर सकते। स्लाइस, तो कलर इफेक्ट चेंज कर लो ताकि चीजें विजिबल हों। ये
एक दो, ये हो गया हमारा। हमने सेंटर का पार्ट सेलेक्ट करा और डायरेक्टली करा लिया क्या एक्सट्रूड माइनस में। हमारे पास ये डिज़ाइन है, सिंपल है, हमें बस रेक्टेंगल ड्रॉ करना है, रेफरेंस से इतना काम आसान हो जाता है। एंड एक्सट्रूड कहाँ प्रॉपर वे में प्लेस करो। एक बात का ध्यान रखना है, जैसे ये फिर भाग गया है यहाँ से, बार बार देखो मूव हो रहा है, सेलेक्ट करके जेड प्रेस करोगे आ जाएगा। एक बात का ध्यान रखो, जैसे कि यहाँ पर अगर हम लाइट देंगे ना तो वो इफेक्ट नहीं आएगा। आपको एक काम करना है, आपको एक स्लाइस प्लेन देना है कुछ इस तरह, कहां पर थोड़े से गैप के बाद, कोई मैटर नहीं करता। ये क्यों मैं कह रहा हूं, क्योंकि ये जो गैप है हमारा वो एक्चुअली डीप होता है कोव लाइट के लिए। और उस गैप को हम डायरेक्टली क्या कराएंगे, एक्सट्रूड कराएंगे, लेकिन एक्सट्रूड के अंदर लेंगे लोकल नॉर्मल। इन केस अगर बार बार सिलेक्शन में दिक्कत आ रही है तो आप चेक करो कि क्या दिक्कत है, ये जूम इन जूम आउट की प्रॉब्लम क्यों इतनी आ रही है, या तो हमारी ग्रिड छोटी है। आप कस्टमाइज पे आके पहले यूनिट चेक करो, कभी कभी होता है कि यूनिट भी गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। दूसरा, स्नैप टॉगल पे राइट क्लिक करो, यहाँ पर दिया हुआ है ऑप्शंस में अंदर यूजर ग्रिड, होम ग्रिड, और इस होम ग्रिड पे आके आप क्या करोगे, इसको एक्सटेंड करोगे तो ग्रिड का साइज हमारा बढ़ जाएगा। फिर बात आती है हमारी, यहाँ पर जो मॉडल यूज़ करेगा, ये तो हम मॉडल लगाएंगे, इसको तो हम छोड़ देते हैं, तो अपनी हम सीलिंग को साइड में मूव करा लेते हैं। और ये जो कैट फाइल है इसको हटाने की ज़रूरत नहीं है, आप इस कैट फाइल को और इस ऑब्जेक्ट को जेड एक्सेस में ज़ीरो कर देंगे। कैट फाइल को इसको ज़ीरो कर देंगे और कैट फाइल को इसके पास ला के राइट क्लिक करके फ्रीज सिलेक्शन कर देंगे, ताकि उस पर कोई भी इफेक्ट ना पड़े। सेलेक्ट करो, वाइट कलर ले लो, सबको सेलेक्ट करके फ्रीज। देखो हमारा कैट फाइल वहाँ रहेगी। बात आती है इसमें डोर विंडो को प्लेस करने की, इसके लिए हमें यूज करना पड़ेंगे कुछ मैक्स के मॉडल, इनकी लाइब्रेरी में शेयर करूंगा। उसमें हमें सारे डोर और विंडोज मिल जाएंगे, लेकिन हम विंडोज को कुछ ऐसा यूज करेंगे जो ग्लास में हो। जैसे कि ये विंडो है, बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगी हमारे मॉडल के हिसाब से, या फिर ये विंडो है। या और भी विंडोज हैं,
कुछ ज़्यादा क्लासिक हो जाएगी। तो मैंने इस विंडो को सेलेक्ट करा, इस फोल्डर को ओपन करा, टॉप व्यू में आए, टॉप व्यू में आके उस फोल्डर को सेलेक्ट करो। फाइल को सेलेक्ट करके ड्रैग एंड मर्ज। ये देखो बहुत छोटा सा मॉडल आया, ये 90% आपके साथ होगा, कॉमन है। क्या पता वो मॉडल mm में बना हो या सेंटीमीटर में बना हो। आप क्या करोगे, उसके पास के जितने भी ऑब्जेक्ट हो, लाइट हो, कैमरा हो, सबको डिलीट कर देना है और R प्रेस करके सेंटर से स्केल करना। चेक कर लो क्या विंडो ग्रुप में है या नहीं है। विंडो ग्रुप में नहीं है तो ऐसी दिक्कत हो जाएगी बार बार सिलेक्शन करने में। ये देखो पूरा मॉडल सेलेक्ट करा, ग्रुप पे आके ग्रुप ओके करा। फ्रंट पे आए, कहाँ पर विंडो है, दिस वन, स्नैप ऑन एंड मूव। पॉइंट टू पॉइंट टॉप में जाओ, स्नैप ऑफ करो, चेक करो क्या कंडीशन है। थोड़ा सा बाहर निकालूंगा, और सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है कि कितना स्केल करोगे, हालत खराब हो जाएगी स्केल करते करते। इस पूरे ये जो हमने बनाया है, ये जो हमारा ग्रुप मॉडल है, इसी ग्रुप मॉडल को आप मॉडिफाई लिस्ट पे जाके यहां से एडिट पॉली ले लो। क्या मिलेगा, वर्टेक्स। फ्रंट में हो, नीचे के सारे सेलेक्ट करके मूव, वर्टिकल सेलेक्ट करके मूव, और इसको ग्रुप को हम ओपन करेंगे, अनग्रुप नहीं करेंगे, ओपन करेंगे, इसको डिलीट कर देंगे, फिर सेलेक्ट करेंगे, ग्रुप पे जाएंगे, क्लोज कर देंगे। तो अगर मॉडल क्लियर नहीं हो रहा है तो आप कलर चेंज कर लो, जब तक या वॉल का कलर चेंज कर लो टेम्परेरी, ताकि चीज़ें बिल्कुल क्लियर नज़र आए। बहुत फिनिशिंग के साथ काम करना है। डोर है हमारा, मॉडल पे आए, कुछ लाइब्रेरी मैं फॉरवर्ड करूँगा जिसमें बहुत सारे डोर होंगे, तो बहुत ही ठीक ठाक साधारण, ऐसा बहुत डेकोरेटिव नहीं यूज़ करना है। ऐसा डोर यूज़ करना जो हमारे मॉडल पे फिट आए। इन मॉडल्स में आपको बहुत सारे टाइप्स और बहुत सारे डिजाइन्स आपको मिल जाएंगे। अब एक फाइल के अंदर बहुत सारे मॉडल हैं और आप उनको अपनी फाइल में लाएंगे तो बहुत सारी
चीज़ें आपस में मर्ज हो सकती हैं। फिर यहाँ पर तरीका काम करने का क्या होता है कि पहले हम उस मॉडल को या उस फाइल को ओपन करेंगे कि मॉडल में से चीज़ों को कैसे निकालना है। मैसेज आएगा, यस कर दो, ओके कर दो, कंटिन्यू पे क्लिक करो। ये कुछ मॉडल्स हमारे पास आएंगे, कभी कभी कुछ ऐसा कलर आएगा देखने में थोड़ा सा अजीब लगेगा। तो यहाँ पर यूज़र डिफाइंड आ रहा है, इसमें से आप स्टैंडर्ड रखोगे हमेशा या चेक करोगे कि स्टैंडर्ड है या नहीं है, और डिफॉल्ट शेडिंग ऑफ एसेट्स पे यूज करोगे। एक से एक डेकोरेटिव मॉडल्स हमारे पास आ गए। ये ग्रुप में ओपन करो, ये भी ग्रुप में ओपन करो। चीजों को अलग करो, और सारे मॉडल को डिलीट कर दो। इस डोर को सेंटर में ले आओ, मूव करा के। ग्रुप कर लो और सेव एज कर लो उसी फोल्डर के अंदर जिस फोल्डर में आपका डोर था। ऐसे हम किसी भी अलग फोल्डर में उसे सेव नहीं कर सकते, वरना मटेरियल जब हम इसमें लेके आएंगे तो मटेरियल ढूंढने में दिक्कत आएगी। नाम डाल दो, डोर सिंगल, सेव, रीसेट। उसी फोल्डर में गए, फाइल आ गई, ड्रैग एंड ड्रॉप, मर्ज। ओरिजिन पे रखा था तो फाइल भी ओरिजिन पे आ गई हमारी। कहाँ पर है, टॉप में आओ, फ्रंट में आओ और स्ट्रेच करा के देखो। सबसे आसान तरीका ये है कि जिस ऑब्जेक्ट पे काम करना है उसको सेलेक्ट करो, कंट्रोल दबा के सेकेंड ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक, हाइड एंड सेलेक्टेड। थोड़ा सा स्केल करा, मूव। इस वॉल को सेलेक्ट करो,
पॉलीगन पे आओ, जो बॉटम में आ रहा है फेस, उसे डिलीट कर दो। तो अब यहाँ पर हम क्या करें, स्ट्रेच करें क्या? यहाँ पर हम एक काम करेंगे, सबसे पहली चीज़ तो ये कि हम एडिट पॉली लेंगे मॉडिफाई से और चेक करेंगे डोर हमारा परफेक्टली आ जाएगा इससे या नहीं आएगा, क्योंकि स्ट्रेच करने से चीज़ें परफेक्ट नहीं आती है। वर्टेक्स पे काम करने से कम ये है कि चीज़ें इक्वल लगती हैं, जैसे कि ये स्ट्रेच करते तो बहुत अजीब सा लगता डोर। राइट क्लिक अनहाइड ऑल, दूसरी चीज इंटीरियर पे काम करने के लिए आपके पास अगर मॉडल्स नहीं है तो आप इंटीरियर पे काम नहीं कर सकते। मॉडल्स का होना इम्पोर्टेंट है। क्या क्या चीज़ें डिज़ाइन करेंगे? इंटीरियर में अगर हमारे पास कलेक्शन है तो हम बहुत कुछ दे सकते हैं। डेकोरेटिव मॉडल्स आपके पास होने ही चाहिए। क्या हम इसको बना नहीं सकते हैं? हाँ, हम इसको बना सकते हैं, लेकिन टाइम नहीं है इतना। जब चीजें अवेलेबल हैं तो फिर हम उसको क्यों बनाएं? क्या 3D पैनलिंग हम बना नहीं सकते हैं? टाइम टेकिंग है, आपके पास लाइब्रेरी हो, टाइम को सेव करना है। वुडन पैनलिंग आप क्रिएट नहीं कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हैं, लाइन से एक एक चीज़ बना के, लेकिन डिज़ाइन होना इम्पॉर्टेंट है, मॉडल होना इम्पॉर्टेंट है आपके पास। आप CNC कटिंग जाली दे रहे हो, पॉसिबल ही नहीं है। ये सारे के सारे स्टोन फिनिश तक आपके पास होना चाहिए, ये सब आपके पास इम्पॉर्टेंट है, देन आप काम कर पाओगे इजिली। 3D वॉल टेक्सचर, तो वॉल टेक्सचर नहीं है ये, 3D डिजाइन है वॉल टेक्सचर के साथ। और हम अगर एक छोटा सा एग्जांपल ले लें, मेरे पास ये है, मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप करा, मर्ज करा, ठीक है, ये आ गया, रोटेट करा, एंड प्लेस कर। अब काम करना है हमें इन दोनों ऑब्जेक्ट पे, इन दोनों फेसेस पे, तो हम इसको और वॉल को सेलेक्ट करके राइट क्लिक हाइड अन सेलेक्टेड कर लेंगे। इससे क्या होगा, चीजें इजिली दिखेंगी भी और काम भी होंगी। वर्टेक्स पे आए, कहाँ तक है, पॉइंट सेलेक्ट, थिकनेस ज्यादा लग रही है, आर प्रेस करो, और ये भी ऑब्जेक्ट हमारे किस में है, ये ग्रुप में नहीं है। अब अगर ये ग्रुप में नहीं है तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ये भी समस्याएं हमारे सामने बहुत ज़्यादा आएंगी। अब अगर ये ग्रुप में नहीं है और हमें इसे कम करना है तब क्या करेंगे हम? इसको मैं यहाँ से शॉर्ट कर रहा हूँ, पॉली पे आए,
मैंने कहा चलो ये काम करते हैं, ये जो फेस हैं अब इन फेसेस को सेलेक्ट करके डिलीट करते हैं। हो गया बहुत केयरफुली, ठीक, फिनिशिंग के साथ, मॉडल का लुक नहीं ख़राब होना चाहिए। इसे कहते हैं मॉडल को चेंज करना। एक काम और भी कर सकते हैं, आर प्रेस करके थोड़ा सा साइज़ कम कर सकते हैं, चलेगा, क्योंकि मैक्स एक डिज़ाइनिंग का सॉफ्टवेयर है, डिटेलिंग का नहीं है। वहाँ पर हमें लुक को दिखाना है सामने वाले को कि कैसा लुक आएगा डेकोर करने के बाद। डिटेलिंग के लिए हमारे पास कैड है, सिंपल। इसके बैकग्राउंड का कलर हम चेंज करके देखते हैं, कोई लाइट, क्योंकि इस पे मटेरियल है तो चेंज नहीं होगा। और इन दोनों ऑब्जेक्ट को हमने सेलेक्ट करा एंड कॉपी कर लिया। टॉप में जाओ, बहुत ध्यान से, स्नैप ऑन करके अब एग्जांपल के तौर पे मैं चाहता हूँ कि इस पे कुछ डिज़ाइन देना स्टोन फिनिश के साथ। तो यहाँ पर देखो ये मटेरियल है, जब भी कोई फोल्डर होगा तो उसके अंदर बहुत सारी इमेजेस होंगी, इसका मतलब उसका वो मटेरियल है, वो टेक्सचर है, वो हमें नहीं हटाना है। हो सकता है हमें इस्तेमाल करना पड़े आगे, उसको भी हमने ड्रैग एंड ड्रॉप करा, यहाँ पर मर्ज करा। तो बहुत बड़ी फाइल है हमारी, यहाँ पर आप देख रहे हैं बहुत बड़ी फाइल है। इसको मैं एक्स्ट्रा चीज़ों को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। देखो कुछ मॉडल के अंदर आपको फ्लोरिंग भी मिल जाएगी, आप वुडन फ्लोरिंग देना चाहते हो, बेस्ट है। ये टेक्सचर नहीं है, ये एक्चुअल में वुडन फ्लोरिंग बनाई गई है, जिसको बनाने में हम लोगों की हालत ख़राब हो जाएगी, हम उसको यूज़ कर सकते हैं। और ये जो एक्स्ट्रा पार्ट निकला हुआ है इसके लिए क्या करोगे, इसका भी एक है आइडिया, वो ये है कि एक ऑप्शन आता है स्लाइस का, मॉडिफाई के अंदर स्लाइस प्लेन पे आओ, वर्टिकल करो, क्या करोगे, रिमूव टॉप, क्या करेगा ये स्लाइस, मल्टीपल स्लाइस ले सकता हूँ मैं, अगेन स्लाइस, डिलीट करने की ज़रूरत ही नहीं है, स्लाइस पे आए, रिमूव करो, रिमूव टॉप, फिर आओ स्लाइस, रिमूव टॉप, रोटेट कराओ, स्लाइस प्लेन पे आने के बाद, ये वो स्लाइस प्लेन नहीं है जो पॉली वाला होता है, कहाँ से, ये रिमूव टॉप और रिमूव बॉटम से आप डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। ये क्या है, ये डेकोरेटिव मॉडल्स हैं, इनके हमें ज़रूरत नहीं है। आपको देखना क्या है, कैमरे को डिलीट कर दो, मॉडल को सेलेक्ट करो, अपने पास ले आओ, यहाँ पर चेक करो, ये ऐसे क्यों आ रहा है, क्योंकि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को इंपोर्ट कराते हैं तो उसका मटेरियल चला जाता है। देखो स्टोन फिनिश भी दिया हुआ है इन्होंने, उस फोल्डर के अंदर था, उस
फोल्डर के अंदर था, फर्स्ट टेक्सचर है हमारा। फर्स्ट है, सेकंड है, चलो अभी तो विजिबल नहीं होगा, पॉसिबल नहीं है, मैं काम कर रहा हूँ सबको डिलीट कर देता हूँ, यही था ना। रोटेट कराओ, अब ये चीज़ कैसे कंफर्म करोगे कि इसका टेक्सचर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, उसके लिए फिर हमें पढ़ना पड़ेगा मटेरियल ऑप्शन। इसको हम लगा देते हैं अभी, ठीक है बाद में देखेंगे, और लगाएंगे तो बहुत परफेक्टली। स्नैप ऑफ, राइट क्लिक, फॉली, पॉइंट पकड़ा, कितना रखना है, डेकोरेट करना है, एंड बॉटम साइज बाद में डिसाइड करेंगे, अभी हम स्केल करेंगे थोड़ा सा। राइट क्लिक, अनहाइड ऑन, इतना पहले आप मुझे बताइए समझ में आया या नहीं आया, देखने में आसान लग रहा है बहुत। सर समझ में तो आ गया, बस स्लाइस प्लेन में थोड़ा लग रहा है कि इतने कंफर्टेबल नहीं है, तो वो बस मैं प्रैक्टिस कर लेती हूँ थोड़ा सा। मैंने बोला था ना पॉली की यूज हमें करना पड़ेगा आगे, एक मॉडल बनाओ 12x15 या 12x16 का, जितना मैंने इस पर अप्लाई करा है, जो मॉडल सेंड करेंगे उसके बेसिस पे पूरा कंप्लीट करके मेरे पास फॉरवर्ड करो। ओके फिर हम उसमें हम आगे, मतलब बेड, नहीं नहीं बेड नहीं, बेड ना 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 ना, जितना मैंने पढ़ाया है सिर्फ उतना। ठीक है ठीक है, ओके डन, फिर हम देखते हैं, ठीक है, चलो भेजता हूँ मॉडल, भेजता हूँ।